पूजा ऑल द बेस्ट बोल मेरे को। साइलेंस प्लीज। नमस्कार, गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ममता पारेख। आज उनके यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों के बाद एक्चुअल स्टेज पर पंचम स्टूडियो में हम सभी कलाकार मौजूद। आज हमारे सारे म्यूजिशियन भाई यहाँ पर समय पर आकर एकदम स्पेसियस जगह पर अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाकर ट्यूनिंग करके साउंड लाइट चेक करके, अब तो इंटरनेट भी चेक करना पड़ता है, पहले सिर्फ साउंड लाइट चेक करना पड़ता था, अब ये भी चेक करके स्पीड एंड क्या KBS एंड डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड ये सब चेक करके हम लोग यहाँ पर आ गए। रफ़ी साहब के चाहने वाले इस वक्त सैकड़ों लोग हमारे साथ में इस चैनल के जरिए जुड़े हैं और अभी भी कुछ समय लगेगा, कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कॉल अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। इससे पहले कि गानों का सिलसिला शुरू हो, मैं एक ऐसी कमाल की शख्सियत को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ जिनको हम लोग लिविंग लीजेंड कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री का एक ऐसा रिस्पेक्टेबल सीनियर नाम जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तमाम ओरिजिनल गानों में सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, यू नेम द म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे वो पंचमदा हो, मदन मोहन साहब हो, SD बर्मन साहब हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हो, कल्याण जी, आनंद जी, हर एक संगीतकार के साथ में ओरिजिनल गानों की रिकॉर्डिंग में अपना ये अंदाज, अपना ये म्यूजिक का सिलसिला पेश किया। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए उन्होंने हमारे दिल में एक जगह बनाई है, उन्हें आज के इस कार्यक्रम की ओपनिंग की जिम्मेदारी दे रहे। वो जब याद आए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, विथ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड विथ योर कमेंट्स ऑफ अप्लॉड, वेलकमिंग नन अदर देन श्यामराज जी जॉइनिंग अस। साथियों, मैं आप लोगों की तालियां तो नहीं सुन सकता हूं, लेकिन श्यामराज जी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ ब्यूटीफुल गॉर्जियस ममता पारेख हमारे साथ में है, जो इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दे रही है। एंड शी इज डूइंग दिस शो ओनली एंड ओनली फॉर द लव फॉर द म्यूजिक एंड द लाइव शोज। श्यामराज भाई हमारे साथ एक लिविंग लीजेंड है जिन्होंने ओरिजिनल गानों का आपके सामने पेश किया है। ममता, थैंक यू सो मच। इस कमाल के स्ट्रेसफुल लाइफ में हम सबको स्ट्रेस से दूर करने की जिम्मेदारी जब अलग अलग कलाकारों ने उठाई है, उनमें से एक ऐसी भी शख्सियत हमारे साथ जिनके सुर शुरू होते ही माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओवर टू श्यामराज भाई।
थैंक यू सो मच। पंचम स्टूडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस प्रोग्राम में हम लोग सब बिल्कुल स्पेशियस जगह पर बैठे हुए हैं, और आज हमारे साथ कितना अच्छा लग रहा है, लिमिटेड है लेकिन हमारे पास ऑडियंस भी है, एक 15-20 लोग जो हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, वो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शामराज भाई, एक ही गाना आपने प्ले किया, ऑलरेडी तकरीबन 700-800 लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सो हम सब लोग आपके साथ में परफॉर्म करते वक्त बहुत भाग्यशाली मानते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सच अ वंडरफुल पर्सन, एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ। आइए आज की शाम वो जब याद आए का ये सिलसिला हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं, ममता पारेख के साथ में मिलकर आज की शाम का पहला गाना जो हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं। उससे पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने गानों के लिए प्लेबैक सिंगर्स का चॉइस बना के रखा है। मैं रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ, मैं किशोर दा का फ़ैन हूँ, मैं मुकेश जी का फ़ैन हूँ, मैं, मुझे अगर कोई पूछे तो मैं सबका फ़ैन हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं यही बेस्ट है, सूरज और चांद की कंपैरिजन नहीं हो सकती है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर मुकम्मल है। आज पहली मंजिल पर जो गाना पेश होने वाला है उसमें सा जब फॉरेन कंट्रीज में अपने शोज करते थे, जब उनको अचानक खबर मिली कि रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो उसी वक्त जो अगला शो था उनका, उसकी शुरुआत उन्होंने रफ़ी साहब के इसी गाने से की, दो लाइन के साथ की, जिसका यूट्यूब में वीडियो बड़ा वायरल है। आजकल रेफरेंस तो यूट्यूब का ही है, इंसानों का कोई रेफरेंस ही नहीं रहा, लेकिन किशोर दा यूज टू सिंग दैट लाइन, दो लाइनें वो गाया करते थे, वही गाने की दो लाइन के साथ आज के शाम की शुरुआत करने जा रही है। एक बहुत कमाल का गाना, मदन मोहन साहब के संगीत में सजा गाना आपके लिए पेश करते हुए, सोशल मीडिया, लाइव शोज, इंटरनेशनल शोज, इन तमाम शोज में जिनको बहुत ज्यादा प्यार मिला है, अप्रिसिएशन मिला है आपके दिल की बिल्कुल करीब, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम कविता मूर्ति देशपांडे जॉइनिंग अस। Very, very good evening, ladies and gentlemen. First of all, thank you to my dear friend Mamta Parekh for this wonderful opportunity. Aaj aisa lag raha hai, we are back on stage and it feels absolutely wonderful. Jinki awaaz aur jinke geeton ne hame deewana banaya hai, aaiye unko yaad karte hain, Mohammad Rafi ji ko aur unke geeton ko yaad karte hain. What beautiful songs! Aur jaise ki Prashant ne kaha, main do lainon se आज के इस संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगी। आई लव दीज वर्ड्स एंड आई लव दीज लाइन्स, सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद दीज टू वंडरफुल वंडरफुल लाइन्स। चढ़ती ढलती रूप को किसे बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसे Mm-hmm.
क्या बात है कविता, तुमने शुरुआत इतनी कमाल की कर दी कि माहौल बड़ा खुशगवार हो गया है। और तुम्हारे आते ही 1200 पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग दिस प्रोग्राम। आज आपके पास डेमोक्रेसी है, वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए। कमेंट्स आपको देने हैं, हम लोग टाइम टू टाइम उसे पढ़ते रहेंगे। कुछ कमाल के कमेंट्स होंगे तो हम लोग जरूर उसके बारे में मेंशन करेंगे। इस वक्त हमारे 7-8 साथी ऐसे हैं जो सारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब बारी है हमारे प्रोग्राम के एक बहुत कमाल के साथी जिनके ऊपर इस पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी है, इज गोइंग टू जॉइन अस। बट बिफोर दैट, तीन लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। एस्ट्रोनॉट जैसे दिखने वाले हमारे साथी जो इस वक्त पूरे प्रोग्राम में मेलोडी सेक्शन में साथ दे रहे, किरण गायकवाड़ हमारे साथ में। उनके लेफ्ट साइड में एक कमाल का साथी है जो सिंगर बनना चाहता था लेकिन वो बन गया म्यूजिशियन और लॉ बेहतरीन गिटारिस्ट और स्टेज की दुनिया के साथी। वी हैव सतीश निवासकर जी विद अस। सारे साथियों को धीरे धीरे मिलाएंगे लेकिन अब बारी है उस साथी को बुलाने की जिनको सुनने के लिए आप लोग बेकरार। पूरे लॉकडाउन में हम सभी कलाकार ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे लाइव आते रहे लेकिन ये आया नहीं। उसने अपनी पावर को रिजर्व रखा। अगर सही हूं तो 2 या 3 शोज में वो आए होंगे लेकिन उनके चाहने वालों का सिलसिला इतना जबरदस्त है कि लोग बिल्कुल इंतजार करते हैं। इसलिए आज पूरे प्रोग्राम में कल परसों 3 मैंने 7 शो किए रफी साहब की शान में और उन तमाम प्रोग्राम में मैंने इतनी इंफॉर्मेशन बताई। आज मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, मैं सीधे उस कलाकार को यहां पर बुलाने जा रहा हूं, वन ऑफ द फैंटेस्टिक सिंगर इन आवर इंडस्ट्री, वन ऑफ द लाजवाब परफॉर्मर ऑफ आवर इंडस्ट्री और हर गाने को सही मायने में रिलीजियसली जस्टिस देने की ताकत रखने वाले साथी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव वन एंड ओनली संजय सावंत लाइव इन कॉन्सर्ट।
नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू प्रशांत। वाकई में आज पहली बार कांदिवली के बाहर निकला हूँ, जिसका पूरा श्रेय जाता है ममता पारेख को। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आज हम रफ़ी साहब, जो हमारे भगवान हैं, उनको याद कर रहे हैं। रफ़ी साहब के गीत, रफ़ी साहब को वैसे हम हर रोज़ याद करते हैं। आज फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए, बहुत खूबसूरत गीत की आज पूरी लिस्ट है और मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊंगा दिल के
झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊदा। झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाऊदा। थैंक यू सो मच। वैसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की हमें आदत है, मगर खैर ये जो 15 लोग बैठे हैं वो हमारे खास हैं, एक एक 100 के बराबर है, तो बिल्कुल 1500 आज का हिसाब पूरा हो गया। खैर बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। ये गीत रफ़ी साहब की खास पहचान है, एक माइलस्टोन है, बहुत खूबसूरत लिखा है कैफ़ी आज़मी साहब ने और बहुत ही बेहतरीन इसको संगीतबद्ध किया है मदन मोहन साहब ने। आपको गाना पसंद आएगा। ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को मिल गया, तू जो मिल गया
जहां मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। ये जहां मिल गया, क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो, तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। कि जहां मिल बुझा, तुम भी थे खोए खोए
मैं भी बुझा बुझा था अजनबी जमाना अपना कोई न था अजनबी जमाना अपना कोई न था दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा एक नई जिंदगी का निशान मिल गया तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया एक भटके सौ लोगों का तालियों का वॉल्यूम बढ़ रहा है टोटल 1800 हो गए अरे वाह एक्चुअली ऑडियंस जब सामने होती है तो ऑडियंस की एनर्जी हम में आती है आजकल ऐसा हुआ है कि ऑडियंस के नंबर से एनर्जी आती है कि 1800 हो गए ये क्या बात तो खैर ये थैंक यू सो मच गाइस आप इतनी बड़ी संख्या में हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच हमारा हौसला काफ़ी बढ़ गया है और बढ़ते अगले गीत की ओर लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे की कली कोई मैं ये समझा तू शर्माई कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे
रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे ये शो के लिए जब प्लानिंग चल रही थी गानों की और लिस्टिंग, कौन सा गीत ले कौन सा गीत ना ले, बहुत मुश्किल। रफ़ी साहब के गीत, किस गीत को ले किस गीत को ना ले, फिर भी हमने सोचा कि जो जनरली लोगों को पसंद है वो गीत हम शामिल करते हैं। तो अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, पंचमदा का ये सबसे पहला प्रयास था और जो लिखा था वो अपने मेरे अभी दिमाग में था यार, चलो इस गीत के ख़त्म होते होते मैं बताऊंगा और ऐसे आप जान भी पाओगे। खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाह, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तो भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाह, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबल, के उनको तो बुलाओ। ओ हो हो खोया खोया चाह, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो हो खोया खोया चाह, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाह, ओ रात भीगी सिरा, हाथों में हाथ होते वो साथ, पहले
करते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सताओ ओ हो हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद 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 खोया खोया चांद। एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया यार, मैंने अनाउंस कुछ अलग कर दिया, गाना कुछ अलग हो गया, मेरी गलती थी। इट्स ओके, मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, मैं गलतियों के लिए मशहूर हूं। बिल्कुल नहीं नहीं इट्स ओके, इतने कमाल के 2100 लोग इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, संजय इतना बोल रहा है हाउ ही कैन सी पीपल। हाँ ये बहुत टेक्निकल बात है, लेकिन संजय इज नॉट वॉचिंग एक्चुअली द कमेंट्स। हम सब लोग जो स्टेज पर नहीं है हम लोग ये कमेंट्स पढ़ते हैं, जब संजय अपना गाना खत्म करके नीचे जाएंगे तब वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आई विल गिव यू अपडेट। एक अनूप शाह है जिन्होंने 15 मिनट पहले कमेंट किया था, क्या यह सचमुच लाइव चल रहा है क्या? यार हमारे ऊपर ही शक, कोई बात नहीं, ये लाइव चल रहा है। ममता पारेख, हमारे अस्तित्व का सवाल है, कल सुबह तक तुम्हारे जितने भी सब्सक्राइबर थे उनकी संख्या सिर्फ एक थी और इस वक्त अचानक 300 से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ममता ये शो करती है पैशन। ये लाइव है इसका सबूत हम देंगे थोड़ी देर में, ममता को स्टेज पर बुलाएंगे, उनसे गाना गवाएंगे। जी बिल्कुल, तो अनूप जी ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव चल रहा है एंड संजय आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए, पीपल आर वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइस। अब बारी है कुछ दो गानों की, लेकिन उससे पहले भूपेन भाई उन्होंने कहा प्रशांत भाई आप गुजराती में भी बोलो, मारी तो बहु इच्छा है कि हूँ गुजराती में आज बात करूँ, कारण कि मारी नेक्स्ट फिल्म आवानी जाना फाइनेंस ना प्रॉब्लम छे, आना माटे हूँ फाइनेंसर जोई रहा छू जोती रहा छू अरे पिक्चर नु नाम छे अगले जन्म में मोहे गुजराती कीजो। तो आप जब भी मेरा कमेंट देखेंगे जरूर, मैं आज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, सीधे अगली मंजिल पर डुएट की ओर चलेंगे, लेकिन एक बात कहूंगा कि कश्यप सोमपुरा एक लाजवाब शख्सियत इस वक्त मेरे सामने बैठी है, आई डोंट नो उनके कैमरामैन उन पर कैमरा पैन करेंगे या नहीं। अल्पा आई कांट सी यू एनीवेयर, हाँ अल्पा यहाँ पर बैठी है। ये दो बंदे ऐसे जिन्होंने इतना कमाल का सेटअप किया है, ये वही स्टेज है जहां पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार और प्लेबैक सिंगर ने आके परफॉर्म किया है और खास करके आशा जी ने किया है। दिस इज रोटरी लायंस हाई स्कूल, लायंस जूहू हाई स्कूल, इसी स्कूल के वो स्टूडेंट है, बहुत कम मार्क मिले थे उनको 10th में मेरे जैसे ही, लेकिन इसी ग्राउंड पर उनकी शादी हुई और इसी जगह पर आज ही इज द ट्रस्टी ऑफ दिस वंडरफुल प्लेस एंड पंचम स्टूडियो के जरिए हम आपका दिल जीत रहे। सो गाइज हमारी पूरी टेक्निकल टीम तैयार है, कुछ म्यूजिशियंस को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, कुछ म्यूजिशियन को मैं कुछ देर के बाद इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन अब बारी है दो गानों की। संजय के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और अब की बार उनका साथ देते हुए ज्वाइन कर रही है ममता पारेख की इस खास प्रोग्राम में कविता मूर्ति देशपांडे। क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है और संजय के साथ शेयर स्टेज करना हमेशा ही बहुत मजा आता है, बिकॉज ही such a wonderful singer and we are great friends and I think hamara jo connect hai on stage is wonderful and I enjoy myself truly and there's so much to learn from him because actually, he's such a wonderful artist. aaj main sabke samne aapko kehna chahta hu kya ba ki happy friendship day ji ha yes what a lovely day and we've been friends for more than 20 years yes, more than yes, 20 years two decades so that's wonderful। चलिए दो गाना पेश करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत पहला दो गाना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रफी साहब एंड गीता दत्त एंड दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स एंड सो ब्यूटीफुली रिटन एंड कंपोज्ड एज वेल। एस डी बर्मन साहब फिर एक बार आपकी आंखों में
इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो सिन्हा आई थिंक इन दैट मूवी एंड एब्सोल्युटली गॉर्जियस. आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, फिर एक बार रफी साहब और गीता दत्त की आवाजें. आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में बैठे जीने का सहारा हो गया. आँखों ही आँखों में बदली है, चल भी मैनों में रंग है,
को ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। अब ये हमारी ऑडियंस के लिए है, मेरे ख्याल से यही हो रहा होगा। आपकी तालियां हो साथ में तो मजा है। आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों की आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। थैंक यू। चलिए अगला जो गीत है बड़ा ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ें और शमी जी पर फिल्माया गया है ये गीत। एंड व्हेन यू हैव शमी जी इन द फ्रेम यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ डांसिंग एंड अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस इन द सॉन्ग। क्यों संजय करेंगे वो अपने अपने घरों में बिल्कुल बन जाएंगे शमी जी बिल्कुल। आपकी तालियां साथ में। अपनी जो
जाके देखो तो जरा बड़ी है दिल बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले बड़ी है दिल की काले हाँ यही नीली सी आँखों वाली सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले मेरी चा वा 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 Thank you. मैं सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए म्यूजिशियन के लिए और सिंगर्स के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ. वेरी क्विकली वी विल गो फॉर द नेक्स्ट नंबर. मगर मिस्टर मूर्ति अपने कमेंट में लिखते हैं कि दिस इज एन इनजस्टिस इफ यू डोंट इंट्रोड्यूस द म्यूजिशियन. तो शायद आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है. चार साथियों से मैं आपको मिला चुका हूँ, लेकिन आपका मान रखते हुए बाकी के साथियों को मैं इसी वक्त आपसे मिलाना चाहता हूँ. स्क्रीन से हट रहा हूँ. ऑक्टोपैड पर हमारा साथ देते हुए इंडस्ट्री का दिग्गज कलाकार म्यूजिशियन संतोष पवार हमारे साथ में. उनका साथ देते हुए हमारे साथ है तबला, इस रिदम का जिम्मेदारी संभालते और बहुत सारी मल्टीपल थे, वही देख रहा था इसमें सिर्फ तबला लिखा लेकिन प्लस प्लस प्लस. वी हैव सौरभ मांगड़े विद अस, जोरदार तालियां सौरभ के लिए. और संतोष के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ और एक साथी, ही इज टेकिंग केयर ऑफ ड्रम्स. वी हैव सुमित सरफरे, जोरदार तालियां सुमित के लिए. पूरे इस शो की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली है मारावाला प्रसाद देशपांडे ने, साउंड इंजीनियर नीतीश फणसे. नरसिम्हा सनाराम इज टेकिंग केयर ऑफ द लाइव टेलीकास्ट एंड स्ट्रीमिंग. हमारी पंचम स्टूडियो की टीम तो बिल्कुल साथ में ही है. और उसी के साथ में पंचम स्टूडियो के दो खास साथियों का शुक्रिया, कश्यप सोमपुरा जी एंड अल्पा जी एंड हिज एंटायर टीम. सारी टीम यहाँ पर बिल्कुल मुझसे तैयार है. व्हाट अ वंडरफुल प्लेस टू परफॉर्म. बिल्कुल स्टेज का माहौल बना हुआ है. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. मस्कत, हांगकांग, बैंकॉक से भी है. ओके, बैंकॉक की ऑडियंस को भी मेरी तरफ से ये मैसेज दे दीजिएगा कि यू आर गोइंग टू एंजॉय वंडरफुल टाइम. सो गाइस, अगली मंजिल पर चलेंगे. संजय हमारे साथ बिल्कुल तैयार है. और ये हमने ये किया है कि देखिए पिछले तीन चार दिन में हम सभी लोगों ने रफ़ी साहब के प्रति प्यार दिखाने के लिए इतने सारे शोज किए हैं, तो हम ये चाहते कि आज मैं कम से कम बोलूं, लेकिन फिर भी जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं बोल सकता हूं. संजय या कविता या म्यूजिशियन मुझे बोलते हैं कि यू हैव टू स्पीक फॉर 1 or 2 minutes, देन ओनली आई विल स्पीक, डोंट वरी. वरना कुछ कुछ लोग भयंकर चिंतित हो जाते हैं. इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे के अवसर पर ये रफ़ी साहब का सेलिब्रेशन चल रहा है. बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज शो करते हैं जो अपने सोशल ग्रुप या मेम्बर्स के लिए करते हैं, लेकिन ममता पारेख एक ऐसी ऑर्गेनाइजर है जिसने कहा कि हम फ्रेंडशिप डे के अवसर पर रफ़ी साहब का शो पूरी ऑडियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ताकि एवरी म्यूजिक लवर कैन एंजॉय दिस वंडरफुल नंबर्स ऑफ रफ़ी साहब. चलिए, संजय बिल्कुल तैयार है. दो गानों का कॉम्बिनेशन है. पहला गाना, मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, गूगल बाबा की कसम आपको सारा मालूम है, आप खुद ही लिख रहे हो. इसलिए सीधे चलते हैं नौशाद साहब के संगीत में. सजाइए गाना एज पर द लिस्ट. लेट्स सी हाउ यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय. थैंक यू. सुहानी रात ढल चुकी,
ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। गाना गाते गाते मेरे सामने कोरोना की वैक्सीन आ रही थी, न जाने तुम कब आओगे। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, और ये भी रफ़ी साहब का एक माइलस्टोन गीत है। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी
हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए चल हमें यहाँ से, किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दिल की राहें खामोश है, निगाहें नाकाम, हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, रह गए अकेले, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले। Thank you so much. Okay, guys, I could read lot of messages. जब भी संजय ऑफ स्टेज होते हैं तो ये मैसेजेस वो पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किए, कुछ लोगों ने चैलेंज किया है। एक डॉक्टर साहब ने संजय आपको चैलेंज किया एक गाने का, चलो ठीक है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, जब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आप अपने मूड कलाकार, हम लोग संजय को कभी डिस्टर्ब ही नहीं करते, उसे हमने छोड़ दिया आज़ाद, क्योंकि आर्टिस्ट कभी भी कमर्शियल जिस दिन हो जाता है उस दिन उसके अंदर की आत्मा बिल्कुल बदल जाती है। इसलिए जो उसके मन में आए, जो उन्होंने प्लान किया है, ये पूरी टीम ने प्लान किया, उस हिसाब से ये सिलसिला चल रहा है। सभी लोगों का, पूरी टीम का मैंने परिचय आपसे कराया है। जितेंद्र पटेल जी, थैंक यू। मन तड़पत दरी हरिदर्शन, हेमंत देसाई, डॉक्टर सिद्धार्थ डगली, राजेंद्र शाह, कुछ लोग लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं, कोई बेल्जियम एंटवर्प से जुड़े हैं, सतीश रावल जी, रविंद्र शाह, अमेजिंग अमेजिंग 2800 पीपल, तपन शाह थैंक यू सो मच, प्रतिभा मेहता, बहुत सारी फरमाइश है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन जितना हो सके हम चिट्ठियां लिख लिख के संजय को भेजेंगे। अब चार गानों का कॉम्बिनेशन है, मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं आपको मिलूं, ज्यादा से ज्यादा आप सुने, कुछ लोग तो मनी मन में बहुत खुश होते रहेंगे। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक लेजेंडरी नाम
श्यामराज जी, और इस गीत में आप उनके कुछ खास पीस सुनेंगे। दादा आप रेडी हैं? दादा का सोलो मूड है। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीर के काबिल हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीर जाना। करो एहतराम उसकी दीवानगी का मोहब्बत में जो हो गया हो लुटा जो मुसाफिर दिल के घर है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में है जन्नत ये दुनिया उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का है दुनिया उसी की जमाना उसी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का।
शम्मी जी के गीतों का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और उम्मीद नहीं है, बिल्कुल यकीन है कि आप अपने घरों में इन गीतों को सुनकर झूमने लगोगे। कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अपने साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अपने साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अपने साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अपने साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुकता ताले हो ए बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुकता ताले हो और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है आज हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदाता देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल ताली हो ये बात।
मिला, एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ है दिल मिला। एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। यार मेरे को बीच में अटेंशन चाहिए। अब किसकी तारीफ करो? ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा ताली हो, ताली हो, ताली हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैना जाए, जरा पास आओ तो चैना जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। पन्ने संवरने का तब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे है बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत सी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरे जालिम, कुछ ऐसे बला का जादू, सौ बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाम। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील झनीले आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं संजय, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स मिस किए, लेकिन एक भाई साहब का कमेंट मुझे अभी भी याद है, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट आ रहे, फटाफट वो स्क्रोल हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है, संजय सावंत इज किंग ऑफ किंग्स, अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमाल कर दिया। हमारे दोनों सिंगर्स ने, अगेन आई टेल यू, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गाने हों, और बहुत सारे लोग सैड सैड गानों की भी फरमाइश कर रहे हैं, मगर हम चलेंगे हैप्पी हैप्पी मूड में। आपने देखा इस वक्त 15 से 20 वीवीआईपी लोग हमारे साथ है, जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू कॉल दैट गर्ल जिन्होंने फ्रेंडशिप डे के अवसर पर आपके लिए ये खास प्रोग्राम गिफ्ट किया है। आई एम गोइंग टू कॉल हर ऑन स्टेज, दैट इज नन अदर देन आवर ऑर्गेनाइजर एंड अ वेरी ग्रेट फ्रेंड, ममता पारेख। प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या बात है ममता, तुमने कमाल कर दिया। 3000 लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, और ममता को मैं खास इसीलिए यहाँ पर बुला रहा हूँ क्योंकि ममता ने बहुत दिल से, ये देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजर्स, दे आर डूइंग वंडर्स, और बहुत सारे लोग बहुत सारे लाइव शोज कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए कर रहे हैं, लेकिन ममता एक ऐसी हमारी फ्रेंड है जो चाहती है कि वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट रफी साहब का शो करे जिसमें सब लोग एंजॉय करें, ये हम लोग कर पा रहे हैं। कैन आई रिक्वेस्ट पंकज भाई टू प्लीज जॉइन अस, हम सभी ऑडियंस की और कलाकारों की ओर से वी वुड लाइक टू थैंक ममता फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ वंडरफुल प्रोग्राम। ये सिलसिला तो बरकरार रहेगा, लेकिन हमारे साथ है पंकज भाई, एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। पंकज सापरिया इज गोइंग टू थैंक ममता, जरा जोरदार तालियां हो जाए। एंड वी हैव अ मेडिकल इमरजेंसी, आई मीन हमारा साथी डॉक्टर अभय पारेख हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू अभय फॉर गिविंग सपोर्ट टू ममता, यू आर जस्ट वाउ। जी जी, मेरा फोटो तुरंत लीजिएगा, मैं मीडिया के सामने आना चाहता हूँ। संजय एंड कविता, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, ताकि हमारी ममता पारेख की पूरी टीम यहाँ पर नजर आए। देर आर एंड प्रसाद, कैन वी रिक्वेस्ट प्रसाद देशपांडे, द मैन बिहाइंड द स्टेज एंड द ग्रेट मैन, जो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करता है, बड़ा प्यारा बंदा है। प्रत्येक वेले अमित आभार मान दो। संजय, कविता, आप लोगों की तालियां ये बताएगी आपका प्रोग्राम, आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहा है, और हमारी जो ऑडियंस है वो हमें कमेंट के जरिए बताएगी कि कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए बहुत सारे लोग, डॉक्टर श्रुति शाह, बिंदु मेहता, अरुण शाह, नीता, इन सब लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया इस अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर। All of you, thank you very much to joining us. And Lisa, I think you are enjoying a lot. Bye-bye. Yes, ये सिलसिला बिल्कुल बरकरार रहेगा। Thank you so much, everyone. And मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। Would like to very specially acknowledge the presence of Pankaj Saparia, Mr. and Mrs. Saparia. And हमारा mood बिल्कुल जोशो जुनून के साथ बरकरार रहे, इसलिए दीप्ति आइसक्रीम के मालिक हर्षद सेठ हमारे साथ मौजूद है। हमारे इंडस्ट्री को जिनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, एन अमेजिंग गाय अतुल मेहता जी हमारे साथ में मौजूद है, एंड चित्रलेखा परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ हमेशा अपने ब्लेसिंग्स देते हैं। आज उनके परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए मौलिक कोटक साहब यहाँ पर मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राजू एंड फाल्गुनी शाह, हीना एंड मनोज गांधी, ह्यूस्टन टेक्सास से इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे, थैंक यू सो मच। उसी के साथ में आज के हमारे इस पूरे प्रोग्राम में केटरिंग, स्नैक्स, रिफ्रेशर, सारी की जिम्मेदारी अभय पारेख और अतुल मेहता ने संभाली है, थैंक यू सो मच। आवर मोरल सपोर्टर पूजा राव, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर एक बार वी विल हैव कविता जॉइनिंग अस टू प्रेजेंट अ वेरी स्पेशल नंबर, सिर्फ जब जरूरत हो तभी मैं आऊंगा, वरना आप लगातार गाने सुनते रहेंगे, वरना कोई ना कोई ऑब्जेक्शन जरूर लेगा। आओ कविता, तुम यहाँ पर आओ,
फ्रेंडशिप डे का सेलिब्रेशन ये बरकरार रहेगा. ऑल डेज आर जस्ट अमेजिंग. मिसाल के तौर पर इसके बीच में जबरदस्त प्लानिंग होती है. 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, उसके एग्जैक्टली 9 महीने के बाद 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे. प्लानिंग जबरदस्त है. गाना सुनिए, मजा कीजिए. बहुत ही खूबसूरत गीत है ये. अगेन वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स एंड आई थिंक इस फिल्म के सारे गाने इतने खूबसूरत थे और सम ऑफ द बेस्ट ऑफ रफ़ी जी. और इसी फिल्म से, फिल्म गाइड से ये गीत मैंने चुना है. लाइक आई ऑलवेज से, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू जस्टिस टू रफ़ी जीज सॉन्ग्स, क्योंकि इतने खूबसूरत गाने हैं, इतना द बेंच मार्क इज़ राइट अप देयर. बट हम कोशिश ही कर सकते हैं एंड दिस आई से फॉर मी बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन. लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि उनके गाने बहुत डिफ़िकल्ट है गाना, तो कोशिश कर रही हूँ गाने की. आज बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है. एंटायर आधुनिक सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है, LED वॉल, साउंड, लाइट, इंटरनेट,
और इंडस्ट्री के दो बेहतरीन कलाकार हमारे साथ, फिर एक बार वो हमें ज्वाइन करेंगे ममता पारेख का शुक्रिया अदा करते हुए। चलिए, दो गानों का दौर शायद शुरू हो रहा है, लेकिन इस गैप के दरमियान संजय ने सारी आपकी फरमाइशें देख ली है। आने वाले वक्त में तकरीबन एक घंटे का समय में वो आपकी चॉइस को शायद पूरा करेंगे, और हम भी चाहेंगे कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। लेट्स गो अगेन विद सम मोर वंडरफुल मेलोडियस नंबर्स। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्यूएट। और व्हाट अ कंट्रास्टिंग ड्यूएट इट इज़। बहुत ही खूबसूरत गुरुदत्त जी की फिल्म आर पार से ये गीत है, गीता दत्त और रफ़ी साहब की आवाज़ें, एंड म्यूज़िक बाय ओपी नैयर जी।
की तालियां हो तो मजा है. एवरीवन कम ऑन. सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, हर तुझको मेरे प्यार की कसम. अरे वाह. सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, अरे तुझको मेरे प्यार की कसम. सुन सुन जालिमा, जा 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 बेवफा. प्यार की नजर से दूर यूं ना जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार. की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार. मैं नजर करूं और फिर हजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं न आई बात कीज दूर से. जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत री, सुन जालिमा, जा 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 बेवफा. दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूं तेरे लिए दूर तू पतंग में. कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूं तेरे लिए डोर तू पतंग में. कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उठा लिए. सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, अरे तुझको मेरे प्यार की कसम. जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत री, तू ना किसी का मित्र री, झूठ तेरे प्यार की कसम. अरे वाह. सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 बेवफा. अरे सुन 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 जा 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 जा. अरे सुन 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 जा 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 देवा. थैंक यू. चलिए इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, इस बार फिल्म CID से ये गीत है और मेरा बड़ा ही फेवरेट है, बिकॉज आई थिंक दिस सॉन्ग इज फुल ऑफ एक्सप्रेशंस वंस अगेन. और जॉनी वॉकर साहब के लिए रफ़ी साहब ने बहुत सारे गीत गाए, and Johnny Walker saab, he emoted those emotions and those expressions so beautifully, and the voice of Rafi saab of course. And is geet mein bahut sara nok jhok hai, pyar hai, gussa hai, it's absolutely lovely. Come on everybody in the audience, let's hear it. जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही तक धर गया जी. हाँ, इसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी. जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही तक धर गया जी. हाँ, इसी की अदाओं पे
कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, हाँ किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। आपकी तालियां नहीं सुनाई दे रही, come on everybody in the audience, these are fun songs, they are beautiful। कोई उल्पत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्पत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चराने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चराने जिगर मेरा फेर दे। ऐसी नहीं चोरी खुलेगी तो किरार से, चलो चलो थाने बताएं जमादार से, ऐसी नहीं चोरी खुलेगी तो किरार से, चलो चलो थाने बताएं जमादार से। hey! जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, हाँ किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, हाँ किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। थैंक यू। ओके गाइस, ममता पारेख के साथ में आज की ये शाम आपके लिए सज रही है, जिसमें आपका साथ देते हुए इंडस्ट्री के दो दिग्गज कलाकार कविता मूर्ति देशपांडे और संजय सावंत के साथ में, हमारे इंडस्ट्री के उन तमाम कमाल के म्यूजिशियन और टेक्निकल टीम के साथ इस प्रोग्राम को हम अंजाम दे रहे हैं। और एक बहुत खास सेशन यहाँ पर संजय सावंत आपके लिए पेश करना चाहते हैं, जिसमें ये जो गैप यहाँ पर आया है उसमें संजय इज गोइंग टू सी ऑल दी कमेंट्स एंड फरमाइशेज एंड ऑल। रमेश मोरबिया जी, आपका फोन आया था, आपका मैसेज आया है, उन्होंने मुझे पूछा है ये प्रोग्राम सचमुच लाइव चल रहा है कि नहीं। तो रमेश भाई, अगर आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव चल रहा है, अब आपको विश्वास हो गया होगा। ये ममता पारेख की कोशिश थी जिसको अंजाम दे रहे हम लोग, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से ये प्रोग्राम आज भी इस पूरे विश्व में फैली हुई महामारी के लॉकडाउन के चक्रव्यूह के बावजूद भी आप सबको जोड़ने की ताकत इन महान फरिश्तों में थी। एक फकीर का गाना सुनते सुनते वो उनका पीछा करते थे गांव में, और उन्हीं के गानों को दोबारा लोगों के सामने पेश करते थे, और वो फकीर के गाने सुनते सुनते उनकी गायकी शुरू हुई और वो हमको अमीर करके चले गए। आज इतना बड़ा खजाना उन्होंने हमको दिया है, जिस वजह से रफ़ी साहब के गीतों को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव वन वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट आफ्टर सम टाइम, ममता पारेख के साथ में मिलकर कविता मूर्ति देशपांडे और मैं, हम लोग मिलकर टाइमलेस क्लासिक के जरिए एक प्रोग्राम कुछ दिन के बाद आपके लिए पेश करने वाले, जिसके डिटेल्स मैं कुछ देर के बाद अनाउंस करूंगा। फेसबुक पर एक स्पेशल प्राइवेट ग्रुप है जिसका नाम है टाइमलेस क्लासिक, उसमें जो जो लोग मेंबर है या फिर जो बनेंगे उनको इंटीमेशन हम लोग देंगे। इट विल बी ए प्राइवेट शो, चाहे उसमें 200 लोग हो या 2000 लोग हो, मगर इट विल बी ए प्राइवेट शो, इट के नॉट बी सीन बाय ईच एंड एवरीवन। तो टाइमलेस क्लासिक्स ये प्राइवेट ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी। कुछ देर के बाद मैं डेट और आर्टिस्ट अनाउंस करूंगा, बट टिल दैट टाइम वंस अगेन आई एम गोइंग टू कॉल संजय सावंत, जो हमारे साथ में रहेंगे और आपकी सारी फरमाइशों को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक प्यारा सा सेशन आपके लिए पेश कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर दिस वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग्स रिमेंबरिंग नन अदर दैन द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ अवर इंडस्ट्री, मोहम्मद रफ़ी साहब। सैल्यूट टू यू।
चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे झील में बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब। चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। Thank you so much, thank you. उतरना है घटा का
लगाए न प्यारी आँखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की, फिजाओं रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वो कसम,
वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा कहो प्यार है तुमसे जाना कहो
कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, जाना कहो प्यार है तुमसे। थैंक यू संजय। इतना अच्छा माहौल चल रहा था, मैं ऑडियंस में ही डांस करने के मूड में चला गया था और मैं चाहता था कि संजय गाते ही रहे। टाइमलेस क्लासिक का लिंक हमने मैसेज में डाला है, कविता के नंबर से, मेरे नंबर से, जो भी इस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 29th ऑफ दिस मंथ वी आर प्लानिंग टू हैव दिस प्रोग्राम, जिसमें ममता भी हमारे साथ में रहेगी, लेकिन दिस विल बी अ प्राइवेट प्रोग्राम, एवरीबडी कैन नॉट विटनेस दिस प्रोग्राम। जो हमारे ग्रुप के मेंबर है उसके इंस्ट्रक्शंस हम आपको कुछ देर के बाद देंगे, जिसमें हमारे साथ में समीर, विजय कुमार, कविता, मूर्ति, ये लोग यकीनन रहेंगे। एंड वी आर प्लानिंग फॉर हैविंग वन मोर वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, बट अब बारी है फिर एक बार कविता की। कविता इंडस्ट्री में इतना कमाल कर चुकी है, लेकिन उसी के साथ में सोशल मीडिया पर सबसे पहले लॉकडाउन में सोलो शोज करने की शुरुआत जब हुई, उसमें कविता ने बहुत सारे शोज किए और जितने उसके इंडिया में चाहने वाले उतने विदेश में उसके चाहने वाले। शी इज अमंग द लीडर इन ब्रांड नेम इन अवर इंडस्ट्री, सो वी ऑलवेज फील वेरी हैप्पी टू शेयर स्टेज विद हर। बीच बीच में इंग्लिश में इतने इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं लिखा पढ़ा हूँ, मैं हूँ नहीं, बिल्कुल लिखे पड़े हो। और जैसे कि प्रशांत ने कहा कि he is always happy when he shares stage with me, likewise it's mutual admiration and he's one of the best in the industry and I always say this, one and only Prashant Rao, inke liye ek bar zordar, aur inke liye ek bar zordar taaliyan to ho jaye, aur ye mai se keh rahe hain ki ye inka 77th program hai lockdown mein, that's a record I think, ladies and gentlemen, ek bar aur zordar taaliyan, yes, kya baat hai। Kavita tum agla gana pesh karna, main ja raha hu society ke secretary ko milne ke liye, maintenance bhar ke aaunga। I think he's been the busiest artist, 77 hamare musician yahan pe keh rahe hamara pehla hai, one of my musicians oh that's wonderful, God bless you Prashant and may you do many many more। चलिए ये गीत जो है बहुत ही खूबसूरत है, फिल्म जंगली से ये गीत है, फिर एक बार कोशिश कर रही हूँ। एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा हो गा मुझ पर। Thank you।
सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू। आइए फिर एक बार संजय सावन जी से गुजारिश करूंगी कुछ दो गानों में मेरा साथ दें। बिल्कुल, फिर एक बार एक कॉन्ट्रास्टिंग गाना है और इस जंगी के गीत के बाद फिल्म काला पानी से ये गीत है और द हैंडसम देवानंद एंड द ब्यूटिफुल मधुबाला जी पर फिल्माया गया ये गीत। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल एंजॉय इट। अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना हर देखी सबके यारे मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना हर देखी सबके यारे मेरा दिल जलाओ ना तो हुजूर थे मेरे क्या खता छुट्टी से कुसूर पे ऐसे हो खपा आज रूठे तो हुजूर थे मेरे क्या खता देखो दिल न तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो देखो दिल न तोड़ो अरे छोड़ो हाथ छोड़ो छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे आज समझे जजी में चलो मैं जाऊ ना अरे देखी सबके यारे मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हरी चलो मैं जाऊ ना अरे देखी सबके यारे मेरा दिल जलाओ ना जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम जीवन के रास्ते लंबे हैं सनम काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम सालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले अच्छे हम अकेले चार कदम भी चल सकोगे समझे अज समझे अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना हर देखी सबके यारे मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना हर देखी सबके यारे मेरा दिल जलाओ ना। थैंक यू। And this, I think, is one of the most popular, one of the most evergreen songs. This film had such beautiful music. Film Hum Dono Se Ye Geet Hai, Jaydev Saab Ka Sangeet Hai. And what beautiful songs, all of them in this entire album. Once again, Devanand Ji, Sadhana Ji,
And of course, Nanda ji was also there, where Devanand played a double role. And a beautiful film, beautiful soundtrack of this film. Asha ji or Rafi sahab ki awaaz hai. ओके हम शो के आखिरी दौर में हैं और ये भी रफ़ी साहब का एक माइलस्टोन गीत है, सेमी क्लासिकल गीत फिल्म कोहिनूर से. शास्त्रीय संगीत में तबला सुर में होना बहुत ज़रूरी होता है.
नहीं तो उनके गुरुजी उनके सपने में आते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे। गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन राधिका नाचे रे, पग में घूंघर बांध के चम चम कामनी आ आ डोलत चम चम कामनी, चमकत जैसे दामिनी, चंचल प्यारी छब लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम, तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम, तिरकिट धूम ताता, नचत चुम चुम ततई ततई ताता, चुम चुम चना नना, चुम चुम चना कांदा 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 दादा दा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। निसरे सगरे मग पमद पनी दसन रे, सारे सारे दबम पदन सारे सारे दबम पगम दबगम रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सन दबम पदबगम रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओ दे नादर दिलता नीता दारे धीम धीम ता नाना, नादर दिलता नीता दारे धीम धीम ता नाना,
नादेर देरता नीता दारे दीन दीन थाना नादेर देरता नीता दारे ओ धरता ना धर धरता ना धर 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 तुम धर 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 धादर किड़तक तुम तर किड़तक तर किड़ तर किड़ता दाने ना धर धरता नीता उदे ना धर धरता नीता उदे ना धर धरता नीता दारे दीम दीम ता ना 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 धर धरता नीता दारे दीम दीम ता ना 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 धर धरता नीता दारे दीम दीम ता ना ना धर धरता नीता दारे दीम दीम ता ना 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 धर धरता नीता दारे ओ धरता ना धर धरता ना धर 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 तुम धर 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 थैंक यू जोरदार तालियां हो जाए सौरभ के लिए. वाह प्रशांत गाइस आपका इतना लाजवाब साथ मिला है. मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा गाने हो इसलिए साइलेंट मोड पर रहा. इस वक्त ये सारे साथी जो हमारे 20 से 22 लोग जो हमारे ममता पारेख के साथ में जुड़े इन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. संजय वुड लाइक टू टेक द वेरी स्पेशल नंबर जिसको एक्चुअली आज हम लोग इंतजार ही नहीं कर रहे थे इस गाने का. हम चाहते थे कि ये चलता रहे ये सिलसिला क्योंकि इतनी खास महफिल सजी है. हजारों लोग इस वक्त सारी दुनिया से हमें ज्वाइन किए हुए और इन्जॉय कर रहे हैं. ममता पारेख के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा. ये वही लड़की है जिसने ये कमाल किया है. मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर इस बैंक्वेट में बैठे हैं जरा स्टूडियो में जितने भी लोग हैं जरा जोरदार तालियां ममता पारेख के लिए. यू आर जस्ट अमेजिंग. और आज जो भी तुमने अचीव किया है उसका 50% क्रेडिट जाता है अभय पारेख को जो मेरा जिगरी दोस्त है. थैंक यू सो मच. और अब वी वुड लाइक टू गो फॉर द वेरी स्पेशल कंक्लूडिंग नंबर. बट डू नॉट फॉरगेट प्राइवेट व्यूइंग के लिए अ वेरी स्पेशल शो हम लोग करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे साथी हमें जुड़ेंगे. टाइमलेस क्लासिक इस प्राइवेट FB ग्रुप पर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा जिसमें कविता आपके साथ में होगी और बहुत सारी बातें हम उसमें डिक्लेयर करेंगे. आप ज्वाइन कर रिक्वेस्ट भेजिएगा हम लोग उसे अप्रूव करेंगे और ममता हमारे साथ जिगरी दोस्त बनकर साथ में रहेगी. सो 29 अगस्त को हम आपका इंतजार करेंगे. एंड नाउ आई हैंड ओवर दिस स्टेज टू वन एंड ओनली द वंडरफुल आर्टिस्ट जिन्होंने आप सबका दिल जीता है हमारे इंडस्ट्री की शान एब्सोल्युटली अ मास्टर ब्रांड नेम इन आवर इंडस्ट्री संजय सावंत लाइव इन कॉन्सर्ट. थैंक यू प्रशांत.
चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ, ओ, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास और गलियां सूनी, महल उदास, महल उदास रे, महल उदास, महल उदास रे, महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवार, दिल क्या उजड़ा, दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार, हम जीवन कैसे गुजारे, रखवाले, 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 कैन वी हियर सम नॉइज फॉर संजय सावंत? Just amazing, wonderful, unbelievable. Thank you so much. Thank you. And हर बार संजय ने ये कमाल करके दिखाया है. मैं very quickly हमारी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ. संजय जी आपने इतना कमाल किया है कि आज की शाम सबको याद रहेगी. मैं बुलाना चाहूंगा the
वंडरफुल आर्टिस्ट जिन्होंने इस प्रोग्राम को चार चार लगाया, कविता मूर्ति देशपांडे, प्लीज जॉइन अस। जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा लगातार आपकी तालियां, कमेंट्स, लाइक्स बने रहे। ये सारे म्यूजिशियंस के लिए भी एक बार दिल से जोरदार तालियां। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रसाद देशपांडे टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, द मैन हु इज वर्किंग डे एंड नाइट टू ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट दिस एंटायर इवनिंग। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर अभय पारेख टू प्लीज कम ऑन द स्टेज, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द केटरिंग डिपार्टमेंट, ऑल्दो ही इज अ डॉक्टर, क्या जमाना आ गया। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अतुल मेहता टू प्लीज जॉइन अस, द वेल विशर फॉर ऑल ऑफ अस, लगातार जिन्होंने हमें बेशुमार प्यार दिया है, प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पंकज भाई सापरिया टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े कलाकारों के लिए बेशुमार काम वो करते हैं और आप उनको ऑनलाइन के तमाम शोज में देखते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल हर्षद सेठ, दी ओनर ऑफ दीप्ति आइसक्रीम टू प्लीज जॉइन अस, जो हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल कश्यप भाई, द मैन बिहाइंड दिस पंचम स्टूडियो, एंड मैं चाहूँगा अल्पा भी अगर ज्वाइन कर सके तो इट विल बी ग्रेट, बट आई डोंट नो। अगर ये दोनों लोग हैं जिन्होंने ये पंचम स्टूडियो का कमाल किया है और यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए आज की शाम को हमने अंजाम दिया है। वी हैव अल्पा ऑल्सो विद अस, और ये दोनों वो साथी है जो इसका ध्यान रख रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नरसिम्हा सनाराम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज, द मैन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द ट्रांसमिशन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, वीडियो जॉकी, वीडियो एडिटिंग, एवरीथिंग। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल नीतीश फंड से, द मैन जो इंटरनेशनल लेवल पे सोच के इस ऑनलाइन की दुनिया में किस तरह बेहतरीन ऑडियो वीडियो दिया जा सकता है, इसके लिए दिन रात बिना सोए मेहनत करने वाला ये हमारा साथी। एंड आई गेस एवरीबडी इज देयर, एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल दैट ग्रेट पर्सन। ओके गाइज, फ्रेंडशिप डे के दिन, फ्रेंडशिप डे की शाम को जिसने सबसे शानदार बनाई, एक ऐसा सिंगर जो ऑनलाइन में चाहते हुए भी नहीं मिलता है, उस संजय सावंत को इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन फेमस सिंगर कविता मूर्ति के साथ मिलकर रफी साहब की याद में ये जो शो किया है, जिनके यूट्यूब चैनल ममता पारेख पर कल तक सिर्फ 3 सब्सक्राइबर थे, आज न जाने कितने सारे सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि ये पूरा शो उन्होंने आपको गिफ्ट में दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर वन एंड ओनली ममता पारेख जॉइनिंग अस। नीतीश, हमारे सारे म्यूजिशियंस के साथ, सारे सिंगर्स के साथ, वी वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन। दिस इज स्पेशली फॉर ममता पारेख एंड आवर फ्रेंडशिप, ऑल ऑफ अस एक्चुअली गो बैक मेनी मेनी इयर्स, सो दिस सॉन्ग इज वेरी वेरी स्पेशल। संजय, चाहे दुश्मन जमाना हमारा, भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, भले चाहे दुश्मन लेडीज जेंटलमैन, ममता पारेख की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं प्रशांत राव आप सबसे आज्ञा चाहता हूं और आने वाले दिनों में ममता पारेख के साथ बहुत सारे शोज हम करेंगे टाइमलेस क्लासिक के जरिए। 29 अगस्त को हम दोबारा आपसे मिलेंगे, लेकिन ममता का प्यार, ममता की मोहब्बत हमारे साथ बनी रहेगी। सारे म्यूजिशियन, सारे साउंड इंजीनियर, सारी टेक्निकल टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। Thank you, ladies and gentlemen. Have a great night ahead. Thank you.